गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बजरंग सर साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेरे छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जल्दी स्टार्ट होने जा रही है। तो नया सिलेबस लेकर के चल रहे हैं, पहले चैप्टर से जो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, जो टॉपिक अपने पास जो हैं वो सारे टॉपिक यहाँ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इन टॉपिकों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ कर के अपने को बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर चल रहा है, अपना पहला चैप्टर है अध्याय एक, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस पूरे चैप्टर में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे, भोजन से संबंधित रोग है, उसके अवयव है, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भोजन क्या होता है, भोजन अपन क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, तो वो क्या हुआ, खाद्य पदार्थ। क्या हुआ, खाद्य पदार्थ। वह खाद्य पदार्थ जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, जो कोई काम करने के लिए अपने को उत्तेजना करता है, वह क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। भोजन के साथ साथ शरीर की वृद्धि भी करता है, भोजन के साथ साथ वो क्या करेगा, शरीर की वृद्धि भी करेगा एवं मरम्मत में सहायक होता है। कई बार चोट लग जाती है तो ये भोजन ही क्या करता है, उस चोट की मरम्मत को क्या करता है, पूर्ण करता है, और प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है, रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता है वो भी अपने पास किससे प्राप्त होती है, इसी भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, इस भोजन से। तो वही क्या कहलाएगा, भोजन कहलाता है। दोबारा से, वह खाद्य पदार्थ जिसमें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत में सहायक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वह क्या कहलाएगा, भोजन कहलाएगा, ठीक है। तो भोजन में भी मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है, ये मुख्य अवयव ही हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, वृद्धि करते हैं, मरम्मत में सहायक होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। दोबारा से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। अब बात करते हैं, आहार भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संतुलित आहार और एक होता है असंतुलित आहार। संतुलित आहार में ये सारे के सारे जो पोषक तत्व है, जो मुख्य अवयव है, ये सारे के सारे उसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। तो वो तो कहलाएगा संतुलित आहार, क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। असंतुलित आहार में क्या होता है कि पोषक जो तत्व होते हैं, जो भोजन के जो मुख्य अवयव जो होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, वो क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन। तो सबसे पहले अपन देखो संतुलित भोजन पढ़ते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये सारे के सारे जो पोषक तत्व है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व है वो इस आहार में उपस्थित होते हैं, वो आहार क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। संतुलित भोजन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो सबसे पहला लाभ, शरीर सबसे मजबूत रहता है, शरीर क्या रहता है, मजबूत बनता है शरीर, इससे शरीर मजबूत बनता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पहले बता चुका हूं मैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। बाय द वे अपन मान के चले, अगर खराब भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे, वही बात है। तो अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ती रहेगी। तीसरा पॉइंट है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, अर्थात हमारी जो मानसिकता है वो दर बदर बढ़ती रहती है, ठीक है। दिमाग को स्वस्थ व तेज बनाता है,
मेंटल एबिलिटी जो है, मानसिकता है, वो क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन असंतुलित आहार की। असंतुलित आहार कि ऐसा भोजन जिसमें किसी एक प्रकार या उससे अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, वो भोजन कौन सा भोजन कहलाएगा, असंतुलित भोजन। क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन। क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन होता क्यों है, कुपोषण के कारण। क्या होता है, कुपोषण के कारण। आजकल देखते रहे हैं कि रोड पर बच्चे ऐसे ही सोते रहते हैं, तो वो एक कुपोषण का शिकार ही है। क्या है, सबसे पहली मुख्य कारण है अशिक्षा, कि अगर बच्चे को सही तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है तो वो क्या हो सकता है, कुपोषण का शिकार हो सकता है। ठीक है, कुपोषण क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में और पढ़ लेते हैं कि कोई भी पोषक जो तत्व है वो लंबे समय से उस बच्चे को नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाता है कुपोषण। या उसकी क्या हो जाए, किसी विटामिन, जल, खाद्य रेशे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी अधिकता हो जाए या क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो कहलाएगा कुपोषण। क्या कहलाएगा, कुपोषण। ध्यान से देखना कि कुपोषण क्या होता है, लंबे समय तक जब पोषण में किसी पोषक तत्व की क्या हो जाए, कमी हो जाए या उसकी अधिकता हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। कुपोषण होने के कारण मैंने सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण बता दिया आपको, अशिक्षा। क्या होता है, अशिक्षा। भारत में कुपोषण के कारण क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है गरीबी के कारण, दूसरा है अशिक्षा के कारण। गरीबी, सही तरह से भोजन नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो वो कहलाएगी गरीबी। अशिक्षा, आजकल क्या है, बच्चे जो सड़कों फुटपाथ पर रहने वाले हैं उनको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो होता है। और तीसरा और मेन पॉइंट आ जाता है असंतुलित भोजन। कौन सा भोजन, असंतुलित भोजन, वो क्या कहलाएगा, गरीबी का मुख्य कारण। क्या कहलाएगा, गरीबी का मुख्य कारण। फिर बात करता हूं मैं इनके कुपोषण होने का क्या क्या कारण है, विटामिन कुपोषण भी है, प्रोटीन कुपोषण भी है, ये सारे के सारे कुपोषण अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं विटामिन कुपोषण। विटामिन क्या होता है, भोजन का सूक्ष्म भाग है। विटामिन क्या है, भोजन का सूक्ष्म भाग है, परंतु कार्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक या अधिक विटामिन्स की कमी होने से उनके लक्षण क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। अपने छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जा सकता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इन सभी के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं, या देखते हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण जो प्रकट होते हैं वो लक्षण अपने को दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अपन प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। 5-6 टॉपिक है, 6 विटामिन से, 6 विटामिनों का अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन विटामिन ए पढ़ते आ रहे हैं छठी क्लास से कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। साधारण सी भाषा में ये कह सकते हैं कि रतौंधी एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। तो देखो लक्षण क्या हो सकता है कि कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, व्यक्ति को कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है विटामिन B1। यहां ध्यान रखना है आपको विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी रोग हो सकता है, या सीधा विटामिन बी आ जाए तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, बेरीबेरी। लक्षण क्या है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हृदय की धड़कन कम और तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर। फिर आता है विटामिन B12, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है विटामिन बी ट्वेल्व राइबोफ्लेविनोसिस। ध्यान से राइबोफ्लेविनोसिस, दोबारा से राइबो
फ्लेविनोसिस। इससे क्या होता है कि मुख के किनारे व होठ की त्वचा क्या फटना। कई बार अपन देखते हैं कि मुख के और हमारे होठों की त्वचा फटने लग जाती है तो विटामिन B12 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर आता है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा कौन सा रोग हो जाएगा, प्लेग्रा। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनना, लक्षण क्या है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनना। फिर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। नियासिन की कमी से आपको दे सकता है ये कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। आपको विटामिन सी न दे करके नियासिन दे सकता है, क्योंकि पिछले साल विटामिन डी का नाम दे दिया था कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल की कमी से कौन सा रोग होता है, ये लास्ट ईयर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019-20 में कि विटामिन कैल्सिफिरोल की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो इस बार नियासिन दे सकता है। इसको ध्यान में रखना है कि विटामिन सी का नाम दूसरा क्या है, नियासिन। नियासिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है और त्वचा पर क्या बन जाते हैं, धब्बे अर्थात चकते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन डी जिसका दूसरा नाम कैल्सिफिरोल, क्या नाम है, कैल्सिफिरोल। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स होगा। पैरों की हड्डियां मुड़ जाएगी और घुटने क्या क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। दोबारा से विटामिन ए रतौंधी रोग, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन B12 राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 प्लेग्रा, विटामिन सी स्कर्वी, नियासिन नाम है इसका दूसरा, और विटामिन डी कैल्सिफिरोल अर्थात रिकेट्स रोग हो जाएगा। तो जो भी मेरे छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी बच्चों को कटिंग सिलेबस हर प्रकार से पहुंच सके।